हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में कमेंट वाला वीडियो होने वाला है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि यूट्यूब वाले बाबा के घर कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, यूट्यूब वाले बाबा कब मिलते हैं, किस समय मिलते हैं, किस दिन मिलते हैं और उनका घर कहाँ पर है, कहाँ पर उनकी लोकेशन है। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट मेरे को आ रहे हैं। तो आज जो है कमेंट वीडियो होने वाले हैं, इस तरीके से मैं कमेंट पढ़ूंगा और हर कमेंट का जवाब दूंगा इस वीडियो में और फुल जानकारी के साथ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अच्छा तो लगेगा क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं यूट्यूब वाले बाबा के बारे में, तो मैं इस पूरे वीडियो में यूट्यूब वाले बाबा की ही बात करने वाला हूँ। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करता हूँ और शुरू करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना और कट बिल्कुल मत करना। जिस हिसाब से आप कमेंट करते हैं उस हिसाब से पूरा वीडियो देख लेना, तो मैं एक सही और सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले एक कमेंट आता है, 16 घंटा पहले कमेंट आया, सर यूट्यूब वाले बाबा कैसे कॉन्टेक्ट करें, वहाँ कब जाएँ और उनसे मुलाकात हो जाए। इनका ये कहना है, इनका चैनल का नाम है पागल ब्लॉग। इन्होंने 16 घंटा पहले हमको कमेंट किया है, तो मैं इनका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिएगा सर जी, यूट्यूब वाले बाबा ऑफिशियल तरीके से संडे वाले दिन मिलते हैं। जो फतेहपुर जिला है और जिले से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर इनका साहा गांव है। गांव का नाम आप अच्छे से याद रखिए, साहा गांव। सिर्फ रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर इनका गांव है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं, सॉरी टैक्सी वगैरह से जाना चाहते हैं, तो 20 रुपये लगता है किराया इनके गांव के लिए। ठीक है, आप जब भी आपको जाना हो तो संडे वाले दिन ही जाइए। और यूट्यूब वाले बाबा संडे को अपने स्कूल में मुलाकात करते हैं गाँव के अंदर। तो चलिएगा अगला कमेंट है, मनीषा ब्लॉग। ये मनीषा ब्लॉग जी हैं, इन्होंने लिखा है बहुत बहुत अच्छा। इन्होंने कहा है कि जो हमने यूट्यूब वाले बाबा के गांव कैसे जाए ये वीडियो बनाया है, तो इन्होंने लिखा कि बहुत बहुत अच्छा। मनीषा जी, हम आपको दिल से धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू आपने अच्छा कहने के लिए। आप इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। एक और कमेंट आया है एक दिन पहले, थैंक यू भाई, वीडियो इज सो गुड, प्लेस सपोर्ट करो अपने छोटे भाई लोगों को। ठीक है सर जी, मैं आप सभी लोगों को सपोर्ट करता हूं और इनका चैनल का नाम है शायद वसीम खान। ठीक है सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा तो आपको जानकारी मिलेगी। एक और कमेंट आया है 2 दिन पहले, अंजनी देवी 625, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है अंजनी देवी 625। भैया जी, लखनऊ से फतेहपुर के लिए बताइए कोई साधन, आना चाहती हूँ, यूट्यूब वाले बाबा से मिलना चाहती हूँ, आपसे भी मिलना चाहती हूँ। देखिए अंजना जी, यूट्यूब वाले बाबा जो है फतेहपुर में रहते हैं और मैं जिला कन्नौज में रहता हूँ। कन्नौज में एक शहर छोटा सा है छिबरामऊ, जो कि कन्नौज से 50 किलोमीटर दूर है। मैं प्रॉपर छिबरामऊ रहता हूँ, तालीग्राम त्राहे के पास मेरा घर है। अब बात करते हैं यूट्यूब वाले बाबा की। यूट्यूब वाले बाबा के यहाँ आप लखनऊ से फतेहपुर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लखनऊ से फतेहपुर जाने के लिए ट्रेन, बस सारी सुविधाएं हैं। कानपुर और इलाहाबाद के बीच में फतेहपुर पड़ता है। आप सभी लोग अच्छे से याद रखना कि जो फतेहपुर है वो कानपुर वाला फतेहपुर है, किन्नापुर, फतेहपुर सीकरी, यानी आगरा वाला नहीं है। जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है फतेहपुर, कानपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है फतेहपुर जिला और फतेहपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर गांव है साहा गांव। बाबा जी का जो गांव है, अंशु मौर्या जी का जो गांव है, साहा गांव है, तो वहां आप जा सकते हैं। टैक्सी वगैरह जाती हैं, ऑन रोड पे गाँव है और बस जहाँ से आप उतरेंगे वहाँ से सिर्फ गाँव के अंदर जाएंगे, 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। वहाँ से भी आपको रिक्शा वगैरह मिल जाता है, तो आप चाहें तो उनके रिक्शा वगैरह से भी आप सारा ले सकते हैं और जा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप फतेहपुर लखनऊ से ट्रेन जा सकती है, बस से जा सकती हैं,
जिससे भी चाहे उससे जा सकते हैं, दोनों सेवाएं अच्छे से उपलब्ध हैं। चलिएगा ठीक है, मैं आगे एक और कमेंट पढ़ता हूँ। जो वीडियो था मेरा फतेहपुर रेलवे स्टेशन वाला, ये है कोई यूजर बीजे बन करके इनका कुछ है, इन्होंने लिखा है, हेलो अरुण भाई, हमें फतेहपुर जाने का पूरा डिटेल में बताएं प्लीज, यूट्यूब वाले बाबा से मिलना है। ठीक है मैडम, आप जाइए यूट्यूब वाले बाबा से मिलिए। यूट्यूब वाले बाबा संडे को मिलते हैं, इतवार वाले दिन, रविवार वाले दिन आप पहुंचेंगे, यूट्यूब वाले बाबा जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है जाइएगा, उनको बताइएगा कि ओबराय ब्लॉग से अपने वीडियो देख करके आए हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। प्रत्येक संडे को बाबा जी मिलते हैं। और हाँ, आपको करंट का स्टेटस जानने के लिए बाबा जी का इंस्टाग्राम आईडी है, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, इंस्टाग्राम पे वो अपडेट मारते रहते हैं कि कभी नहीं मिलना होता है, मतलब बाहर होते हैं तो जब नहीं मिलते हैं तो वे अपने इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगा के इन्फॉर्म कर देते हैं सब्सक्राइबरों को कि इस संडे को हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मिलते जो भी हैं संडे वाले दिन, इतना आप बेहद अच्छे से याद रखना कि संडे वाले ही दिन मिलेंगे। यूट्यूब वाले बाबा फतेहपुर के रहने वाले हैं, फतेहपुर के पास सहा गाँव है। ठीक है, बहुत ही अच्छे और नेक दिल के इंसान हैं, आप जाइए मिलिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और फुल सपोर्ट भी करते हैं। इतना बड़ा यूट्यूबर अगर जो आपको सपोर्ट करे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम जानते हैं जहाँ तक यूट्यूब वाले बाबा सपोर्ट करते हैं, सभी को करते हैं, चाहे कोई नया जाए या पुराना जाए। तो चलिएगा आगे चलते हैं। अंजनी देवी का फिर से एक कमेंट आया है 3 दिन पहले, भैया जी लखनऊ से कोई साधन बताइए वीडियो बनाकर प्लीज, बाबा से मिलने के लिए फतेहपुर जाना। मैडम, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि आप जो है ट्रेन और बस किसी से भी जा सकते हैं फतेहपुर के लिए। रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ से आप पता कर लेंगे इंक्वायरी विभाग में जाके कि फतेहपुर के लिए कब ट्रेन है, किस ट्रेन से जाएं, पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। रोडवेज बस स्टॉप पर जाएंगे तो वहाँ से भी पता कर लेंगे। रोडवेज भी बस जाती है और प्राइवेट बसें भी जाती हैं लखनऊ से फतेहपुर के लिए। ठीक है मैडम, घर से निकलिए, आप जरूर पहुँचेंगे फतेहपुर। अब आप घर पे ही बैठ के कमेंट करते रहेंगे तो कैसे जाएंगे। ठीक है, आप हमारी जानकारी से कितनी संतुष्ट हैं इसके लिए आप हमको कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिएगा, जो वीडियो आएगा ये कल सुबह, उस पर कमेंट करना और बताना, और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप शेयर और लाइक नहीं कर रही हैं। ठीक है मैडम, चलिएगा अगला पढ़ते हैं। कभी नौरंग चौकी के बारे में भी बताएं। ठीक है भाई, नौरंग चौकी का भी हम आपको बताएंगे वीडियो बना के। तो चलिएगा आगे चलते हैं। ओरछा का वीडियो हमने बनाया था, यूट्यूबर कृष्ण कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है गुड वीडियो। ठीक है कृष्ण कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी दिल से सलूट। चलिए एक और आगे चलते हैं। यूट्यूब वाले बाबा का घर, यहाँ पर भी एक कमेंट आया है शांति देवी का। ये शांति देवी हैं, इन्होंने लिखा है 4 दिन पहले, गुड गुड, हाथ में वो क्या कहते हैं बारह वगैरह नहीं, गुलदस्ता जैसा है कुछ, उसमें लुक गुड गुड लिखा है इन्होंने। चलिएगा अच्छा बताने के लिए आपको शांति जी दिल से धन्यवाद। आप भी इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिएगा। ओरछा शहर पे भी एक आया है, टिकरा कानपुर नगर विलेज आलमपुर ब्लॉक्स वीडियो बनाए प्लीज, ये हैं सुभद्रा देवी जी। ठीक है सुभद्रा जी, जैसे ही नेक्स्ट टाइम आएगा मैं कानपुर की तरफ जब जाऊंगा तो इस विलेज का भी वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। एक और आया है राधिका, राधिका पायल हैं, इन्होंने लिखा है, भैया आप लोगों की जोड़ी मस्त है, आप प्लीज अपना नंबर दे दो, मुझे आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए। ठीक है मैडम, आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। ज़्यादा ज़रूरी होगा तो आपके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी देंगे। देखिएगा इसी में फिर से एक राधिका जी का ही कमेंट और है, एक और, भैया हमें बाबा जी से मिलना है, बाबा यूट्यूब वाले से
मिलना है। प्लीज उनका कोई पता हो या आपके पास नंबर हो तो आप मुझे नंबर दे दो, बस फोन पर ही आपसे बात करना है। अपना नंबर दे दो प्लीज, मुझे आपसे बात करना है। देखिए राधिका जी, मेरे नंबर के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। और यूट्यूब वाले बाबा से मिलने के लिए हमने बार बार रिपीट किया है, फतेहपुर जिला है, कानपुर और इलाहाबाद के बीच का जो डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर वाला जो फतेहपुर है, उस फतेहपुर में रहते हैं और बाबा जी का गांव सहा गांव है। इतनी बार इस वीडियो में बता चुका हूँ कि शायद लोगों को अब तक अच्छे से याद हो गया होगा। सहा गांव स्पेलिंग भी बता देता हूँ, SHAH, सहा गांव। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। फिर से अंजनी देवी आ गई है, 6 दिन पहले भी इन्होंने किया है। हम जिला बलरामपुर के रहने वाली हूँ, बाबा से मिलने के लिए बहुत परेशान है। अरे अंजना जी, आप 6 दिन से परेशान है, सच में इतना परेशान है तो कोई बात नहीं। ये देखो संडे निकल गया, अगले आने वाले संडे को आप घर से निकलिएगा और बाबा जी के पास पहुंच जाइएगा। ठीक है, फतेहपुर में रहते हैं, सहा गांव में। तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले एक और अंजनी देवी का ही आ गया है फिर से कमेंट, तो इनके भी देखिएगा कितने कमेंट कर डाले इन्होंने, कई कमेंट किए हैं। फिर से मैं यूट्यूब वाले बाबा से मिलना चाहती हूँ, लखनऊ से फतेहपुर के लिए ट्रेन जाती है, कौन सा ट्रेन जाती है, बस जाती है, कौन सा बस जाती है, लखनऊ से कौन सी गाड़ी जाती है फतेहपुर के लिए। भैया जी आप लखनऊ से पूरा डिटेल बताइए, फतेहपुर तक के लिए मेरा मदद करिएगा। चलिएगा इनको भी मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, मैंने अभी तक जितने भी कमेंट पढ़े हैं सारे कमेंट स्क्रीन पे लगाए हैं। अंजनी जी फिर से आपको यही बोलूँगा कि आप घर से निकलिएगा, जब घर से आप निकलेंगी तो यूट्यूब वाले बाबा से ज़रूर मिल सकेंगी, यदि आप घर से निकलेंगी नहीं तो नहीं मिल सकती हैं। तो चलिएगा यूट्यूब वाले बाबा का फिर से मैं एक बार पूरा एड्रेस बता देता हूँ। यूट्यूब वाले बाबा का गांव सहा गांव है, रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर बाबा जी का गांव है। और किसी भी सहा गांव जाने के लिए किसी भी टैक्सी वाले से पूछेंगे तो आपको बता देगा, और 20 रुपये किराया लगता है। मैं ये भी स्पष्ट करता हूँ कि सिर्फ यूट्यूब वाले बाबा के गाँव जाने के लिए, सहा गाँव जाने के लिए फतेहपुर से 20 रुपये का ही किराया लगता है। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि हमारे यूट्यूब वाले बाबा जो गुरु जी हैं, अंशु मौर्या जी हैं, उनसे जितने लोग मिलना चाहते हैं जाके मिलें, और मिलने पर मेरा नाम और मेरे चैनल का नाम जरूर बताएँ कि अरुण ओबराय ब्लॉग का वीडियो देख करके भाई आए हैं। तो हम भी देखना चाहते हैं कि यूट्यूब वाले बाबा हमारे बारे में क्या कहते हैं या नहीं कहते हैं। तो चलिएगा फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।